हेलो, मैं हूँ अव्वल। एक इंग्लिश वर्ड है जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है और खासकर आजकल के दौर में उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। यहाँ तक कि राजकुमार राव की नई मूवी के नाम में ये वर्ड यूज हुआ है। मूवी का नाम है जजमेंटल है क्या, और जिस वर्ड की मैं बात कर रहा हूँ वो है जजमेंटल। अब ये वर्ड अगर आप डिक्शनरी में ढूंढोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वहां इसे घुमा फिरा के समझाया गया है। तो मैं आज इसे अपने वर्ड्स में सिंपल तरीके से समझाने वाला हूं। पर उससे पहले सुनते हैं राजकुमार राव के मुंह से कि ये वर्ड का मीनिंग क्या है, और उसके बाद मैं अपने तरीके से अपने हिसाब से इस वर्ड को समझाऊंगा। तो चलिए सुनते हैं। राजकुमार राव अव्वल, राजकुमार आपकी मूवी आ रही है जजमेंटल है क्या जी। सो जजमेंटल का मीनिंग अगर आप मेरी ऑडियंस को सिंपल वर्ड्स में बताओ तो। जजमेंटल का मतलब, आपने हालांकि सुना होगा ये शब्द, लेकिन जब हम किसी को आंकते हैं, किसी को आंकना कि किसी के उस पर कमेंट करना या सोचना, किसी के बारे में अपनी धारणा बनाना, उसको जजमेंटल कहते हैं। कोर्ट में बैठे जज का काम है जजमेंट देना, फैसला सुनाना कि मुलजिम ने सही किया या गलत, मुलजिम सही है या गलत है। अब जज का तो काम है जजमेंट देना, पर हम लोग जज नहीं हैं, फिर भी हम में से कुछ लोग जजमेंट देते रहते हैं। जैसे कि हमारे रिश्तेदार हमें कहते रहते हैं, बेटा तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, देर हो रही है। बेटा तुम्हें जॉब करनी चाहिए, बिजनेस के पीछे क्यों पड़े हो। बेटा तुम्हें पैसे कमाने के लिए ये लाइन नहीं ये लाइन चुननी चाहिए। इस तरह की बयानबाजी चलती रहती है कि भाई ये गलत है ये सही है, तुम ये गलत कर रहे हो ये सही कर रहे हो। हमारा हक नहीं बनता किसी की जिंदगी में झांक कर उसे आंकने का, जजमेंटल होने का। सो जो आंके वो जजमेंटल होता है। जजमेंटल लोग हमारे आसपास घूमते रहते हैं। सो ऐसे लोगों से बचने के लिए भी राजकुमार राव ने हमें एक टिप दिया है, चलिए सुनते हैं। जजमेंटल लोगों से बचने का कोई एक टिप? बहुत आसान है, जस्ट इग्नोर देम, और आप जो कर रहे हैं अपने गोल की तरफ बढ़ते रहिए पूरी लगन से, पूरी शिद्दत से, क्योंकि लोग तो जज करेंगे। जैसा कि सॉन्ग है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप साइड में टाइए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। परफेक्ट। हिंदी से इंग्लिश सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आपके लाइक्स और कमेंट्स का इंतजार करूंगा। बेस्ट ऑफ लक।